दरबे के अंदर लेके चलता हूँ। और दी पकौड़ा सेफ जी है भाई, पकड़ सर पकौड़ा सेफ पकड़ सर। अरे भाई ये शेफ है, हम कहाँ शेफ हैं भाई, मैं तो डर गई। सीढ़ी से ऊपर चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ जिया भाई के रूम पे, और जिया भाई के रूम पे आज हमारा इफ्तार है। सो हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोग आ चुके हैं, और गाइस देख सकते हैं मैंने पहना है आज तंबूरा, जिसको जुब्बा भी कहते हैं, और टोपी लगाई है पख्तूनों वाली। और पीछे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ग्रीन मस्जिद है हमारे पीछे, सो वहीं पे हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे। और हम आ चुके हैं अभी जिया भाई के छत पे, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है, इतना अच्छा मौसम था कि ज़रा सा भी रोज़ा पता ही नहीं चला। और जिया भाई ने काफ़ी सारे कबूतर पाले हैं, उनका घर बनाया है, तो आप लोग को दिखाता हूँ, दरबे के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कबूतर। देख सकते हैं गाइस कितने सारे कबूतर हैं यहाँ पे, बहुत सारे कबूतर, और सब उड़ रहे हैं। ये सब बच्चे हैं जो उड़ नहीं पाते, वो यहीं पे हैं। काफ़ी सारे कबूतर गाइस यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब यहाँ पे पूरी फैमिली है कबूतर। सो देखा गाइस आप लोगों ने कबूतर कितने सारे जिया भाई ने पाले हैं, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। दोस्तों अभी मुझे यहाँ पर दिखाई ये छत, यहाँ से सीढ़ी से ऊपर चलते हैं और देखते हैं, और भी नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त दिखेगा। उसके बाद नीचे चलेंगे और नीचे आप लोगों को दिखाऊंगा काफ़ी ज़बरदस्त। उसके बाद नीचे चलेंगे गाइस और नीचे आप लोगों को दिखाऊंगा कि इफ्तार की तैयारी हो रही है। हमारे और भी दो चार फ्रेंड्स आए हुए हैं, वो सब तैयारी में लगे हुए हैं। सो पहले चलते हैं ऊपर और आप लोग को नज़ारा दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त। एक तो मैं तंबूरा पहना हूँ, इसमें और भी मुश्किल है चढ़ना, फिर भी चलता हूँ ऊपर और आप लोग को नज़ारा दिखाता हूँ। तो इतना ऊँचे पर आके नहाने के बाद डर लग रहा है गाइस। चुरी पुरी ओ तीरी की, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है। ओ भाई नज़ारा देखो, नज़ारा कितना खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ऊंचे पे आ गया हूँ मैं गाइस, सबसे ऊंची बिल्डिंग पे पानी की टंकी पे चढ़ गया हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग गाइस, पानी की टंकी पे चढ़ चुका हूँ, और ये पूरा ये सब देख सकते हैं, ये पहाड़ है और ये घर बने हैं यहाँ पे। घर बस इतने ही हाइट में है और मैं सबसे ऊंचे पे खड़ा हूँ। यहाँ तक घर है, उसके बाद पहाड़ है, फिर रेगिस्तान है, फिर उसके बाद दूसरा शहर है। और देख सकते हैं मस्जिद है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, इतने ऊंचाई से बहुत ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा है। ऐसा लगा दोस्तों नज़ारा यहाँ का देख के, बहुत मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ा हूँ, डर लग रहा था, फिर भी चढ़ गया और नज़ारा देख लिया। सो चलिए चलते हैं अभी नीचे और देखते हैं इफ्तार की क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि हमारे पास अभी बचा है सिर्फ 30 मिनट। सो चलिए चलते हैं नीचे। ओ भाई मैं तो डर गया गाइस ऊपर से नीचे वापस आने में, डर लग गई गाइस बहुत तगड़ा। साला इसमें कहीं फंस जाए और गिर गया तो हो गया सत्यानाश, डर गया गाइस मैं तो। सो चलिए अभी चलते हैं नीचे। सो अभी हम चलते हैं देख सकते हैं तरबूज रेडी हो चुका है यहाँ पे, और पपीता और खरबूजा तरबूज सब कुछ यहाँ पे रेडी हो चुका है, और पकौड़ी पकौड़ा अंदर बन रहा है भी गाइस। देख सकते हैं रेडी हो चुका है हमारा पकौड़े का सामान, देख सकते हैं माशाल्लाह जिया भाई ने रेडी कर दिया है अलग अलग किस्म का पकौड़ा। और ये हमारा तेल गरम हो रहा है, और बैगन का भी पकौड़ा बनेगा। और हमारे देख सकते हैं काफ़ी साथी लोग आज आए हैं इफ्तार के लिए जिया भाई के यहाँ पे। ये देख सकते हैं जिया भाई ने निकाल दिया है बैगन पकौड़ा। दोस्तों अभी और भी इफ्तारी आ चुकी है हमारी जिया भाई के जो भी क्या बोलते हैं उसको, जिया भाई के जो शेख है, जो अरबी है जिया भाई के, वहाँ से और भी अफ्तारी आ चुकी है, बिरयानी वगैरह काफ़ी ढेर सारी। तो हम लोग अभी नीचे से लेके जा रहे हैं ऊपर, और इसको भी अपने अफ्तारी में शामिल करते हैं, और टोटल अफ्तारी रेडी होने के बाद आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या आज अफ्तारी में हमारे अफ्तार होने वाला है। सो चलिए चलते हैं आगे, देखते रहिए। तो अभी देख सकते हैं पकौड़ा कौन डाल रहे हैं, मिस्टर अमित फ्रॉम कोलकाता पकौड़ा डाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। पगार बढ़ाओ भाई, पगार बढ़ाओ पकौड़ा डाला जा रहा है। तो अभी जिया भाई की हेल्प हो रही है थोड़ी सी। अरे भाई ये शेफ है, हम कहाँ शेफ हैं, ये तो शेफ है भाई। तो आप भी सेफ सेफ हो भाई, इतना पकौड़ा बना दिया। पकौड़ा सेफ जिया भाई, पकौड़ा सेफ कर सर।
पकड़ से इतना पकौड़ा रेडी हो गया है, अच्छा भी दिख रहा है और बहुत सारा रेडी होना बाकी है। सो फाइनली गाइज हमारी इफ्तारी की ये सारे रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, तरबूज पकौड़ी और सब कुछ एकदम बेहतरीन रेडी हो चुका है। आज की हमारी इफ्तारी ये है और माशाल्लाह सब लोग एकदम रेडी हो चुके हैं और रोज़ा खुलने के लिए बस कुछ ही देर बचा हुआ है। और पकौड़ी आज का आप लोग देख सकते हैं रेडी हो चुका है, जो कि जिया भाई ने बहुत मेहनत से मशक्क़त से बनाई है। अभी इफ्तार के बाद हम लोग इसको टेस्ट करेंगे और पता चलेगा कैसा है। सो चलिए गाइस मिलते हैं इफ्तार के बाद। इफ्तार के बाद हम गए मस्जिद में, जो कि सलाला की बहुत बड़ी जामिया मस्जिद है और बहुत काफ़ी खूबसूरत मस्जिद थी। सो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड